अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, यू ऑल कैसे हैं? आप सभी देखिए, सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। सो जनाब, जैसे कि मैंने कल व्लॉग बनाया और आप लोगों ने सभी ने जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और पसंद किया है इस टाइम टेबल को कि आप इस टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड कर लें। सो मैं आज वादे के मुताबिक यहाँ पर पहुँच आई हूँ, बल्कि मैं कोई आधे घंटे से पहुँची हूँ। पहुँचते भी टाइम लगता है, मजाक कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बैठी जी आप सभी के कमेंट्स रीड कर रही थी और आपके जो है ना वो जो रिक्वेस्ट आई होती है ना, मेरा नेम ले लें, मेरा नेम ले लें, तो मैंने नेम्स जो है ना वो नोट कर लिए। ठीक है, क्रमलिंग वगैरह वाले नहीं, जो स्पेशली नेम्स लेने थे ना वो मैंने नोट कर लिए। ओके, तो मैं अब साथ साथ व्लॉग इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं अगर कोई वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ तो उसकी शेप्स जो है ना आप लोग फिर देखें कि कौन सी शेप्स थी और मैंने उसकी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं या नहीं कर ली। आपको मैं छत भी दिखाई जाती हूँ, साथ साथ नेम्स लेते जाते हैं। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जी मिसबा अफजल हैं, ठीक है, अफजाल हैं या अफजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशी आपके नसीब में लिखी जाएँ। मेरा साया ही इधर इधर आई जा रहा है, अच्छा मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। सो जनाब, नेक्स्ट व्लॉग कह रही हूँ, नेक्स्ट है जी ये पता नहीं क्या नाम है, शियोसफी इस तरह करके कुछ नाम है। वो कह रही हैं कि मैंने आपसे कितनी दफ़ा कमेंट किया कि अपने आल टेक्सचर्स के नेम बता दें। ठीक है, तो मैं नाम भी बता देती हूँ। उसके बाद है जी अनीला है जैन, थैंक यू सो मच। ऐसा मार मर्ड है, वो कह रही है मैं आपकी बिग फैन हूँ, थैंक यू सो मच। यार गोल्डन सैंड का कलर देखिए अब कितना प्यारा आ गया ना, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और इसका कलर इन्हेंस हो गया, लाइक येलो से थोड़ा सा लाइट हो गया, प्यारा हो गया। और उसके अलावा है जी कमाला, थैंक यू सो मच। सादिया हैं भट्टी, सादिया भट्टी थैंक यू सो मच। और उसके बाद हैं जी अक्षा सैफी थैंक यू सो मच। उसके बाद हैं जी अर्शी बासित या अर्शिया बासित, ठीक है, इस तरह करके कुछ नाम है। प्रीति है, वो कह रही है आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती, तो मेरी जान आपका भी ले लिया, मोमिना आपका इतनी दफ़ा ले लिया, फिर से लिख लिया, मैंने कहा इस दफ़ा भी ना आपको स्पेशली बोल दूँ कि जनाब आपके नेम ले, आपका नाम ले लिया। और उसके अलावा हैं जी अरीबा हामिद है ठीक, आई थिंक सो, सो आपका भी ले लिया। शिखा के लिए जो है ना सब जो है ना वो एक शिखा के लिए क्लैपिंग भी होनी चाहिए और साथ में हार्ट कमेंट भी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो है ना मैंने अपने YT स्टूडियो में देखे हैं तो वो शिखा के हैं, थैंक यू सो मच। बाकी भी हैं लेकिन इनके बहुत ज़्यादा हैं, लाइक अज़रा परवीन है और उसके बाद इफ़त है, रुबाबी हैं, सबके ही हैं। और कौन है जी, रुबा फ़ातिमा है और सुमैया ख़ान है और भी हैं, लेकिन इनके जो है ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स से मैंने देखे हैं। उसके बाद उज़्मा है फ्रॉम साहिवाल, थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग सोचते होंगे आज इसको क्या दौड़ा पड़ गया, मैंने कहा भाई इतनी देर हो गई है, आज मुझे खुद थोड़ा फील हो रहा है कि मैंने इतनी देर से कोई नाम नहीं लिया इसलिए। शुबाना तहरीम, जनाब आपको नहीं बोलते, आप मेरी जान है, इधर ही हैं। बिनिश अरशद हैं, थैंक यू सो मच। कमीला राशिद, मैंने नाम ये देखे अजीब से नाम है, पहली दफ़ा सुन रही हूँ, सॉरी दिल पे ना लीजिएगा। ठीक है, बुखारी मोबाइल हैं जी, थैंक यू सो मच। आप कह रही हैं कि मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, थैंक यू सो मच। मूवी किंग है, थैंक यू सो मच। समी क्यूट कह रही हैं कि अब से मैं ना तुम्हें कमेंट करूँगी और ना तो मैं तुम्हारी वीडियो देखूँगी क्योंकि तुमने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया। और बिलीव मी, सुबह का टाइम है, ये आपका कमेंट पहली दफ़ा मुझे नज़र आया और पहली दफ़ा मैंने आपका कमेंट रीड किया और मैं बड़ी हैरान हुई कि यार ये कौन है जो मेरी नज़रों से नहीं गुजरा और मैंने इनका कभी नाम नहीं लिया। और मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने आपका कभी भी नाम नहीं सुना इस कमेंट से पहले, ना ही आपका नाम देखा। ठीक है, तो आई एम सॉरी, आपका देखा तो मैंने साथ ही लिख लिया और मैंने कहा नहीं भाई नाम तो जो है ना बोलना है, बेशक आप देखें या ना देखें। मिसेस रूमी है जी, आपको नहीं भूलते, थैंक यू सो मच। उसके बाद है सत्या देवी, अच्छा सत्या देवी मुझे बोल रही थी मनू हूँ तुहाडे ब्लॉग बोरिंग लगते ने, बोरिंग क्यों लगते ने, क्योंकि थोप नहीं लगती तो टेक्सचर ड्राई नहीं होंगे तो फिर असी क्रमलिंग नहीं करते, तो ओबियसली फिर क्रमलिंग ना हो तो फिर तुम ब्लॉग बोरिंग लगते ने। डेली लाइव ब्लॉग्स जो हैं वो मोस्टली जो है ना वो टू में से कह लो कि 1% जो है ना लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो नो इशू, जो पसंद करें, मैं स्पेशली टाइटल पर मेंशन करती हूँ कि भाई ये स्पेशली जो है ना मेरे डेली लवर्स, जो डेली ब्लॉग्स लवर्स के लिए हैं। ठीक है, क्रमलिंग लवर्स वेट कर ले थोड़ा सा भाई, ठीक है ना।
उसके बाद तैयबा है, थैंक यू सो मच तैयबा, आपसे एक गिला है कि आप स्माइल ही भेजती रहती है, आपको कमेंट करके क्यों नहीं मुझे मोटिवेट करती, तो आप लाजमी अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। महीन अराई हैं, वो कह रही हैं आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो ले लिया मेरी जान आपका नाम, लाला मायरा है आपका नाम भी ले लिया, ठीक है हमने काफ़ी घूम शूम लिया है। अब मैं हम डायरी को रखते हैं यहाँ पे, अब हम आपको क्रम्बलिंग करके दिखाते हैं, लेकिन ये ज़रा ना मस्जिदों में ना पढ़ाई हो रही है, तो चलो कोई नहीं। अच्छा ये वाला टेक्सचर जो है ना, ये 5K सेलिब्रेशन वाला टेक्सचर है जो कि अभी ड्राई नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको ना बनाया था और इसके ना बड़ी शेप्स बनाई थी, मैंने कहा था इसके चंक्स निकाल लेंगे और फिर हम इसकी क्रम्बलिंग करेंगे, तो मम्मा ने ऐसे किया था, मैंने कल इसके चंक्स तोड़ दिए थे। अब इस टेक्सचर को ना उठा के ना मैं यहाँ पे धूप में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती, इस वजह से भी ना ये टेक्सचर ड्राई नहीं हो रहे, तो पहले तो हम आप लोगों के सामने यही काम कर लें, फिर हम क्रम्बलिंग भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि मुझे होता है कि यार ब्लॉग बनाऊँ और साथ साथ जो है ना वो मैं काम भी करूँ, फिर मुझे कमेंट आएगा कट बोल। ओए अब तो माइक साफ़ हो गया, अब तो आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सो मच, आप सबने अच्छा मोटिवेट किया है, नीबू ऐसा मार, नीबूनू ऐसा मार के नीबू ऐसा मार जो भी हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा मतलब के कमेंट किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और भी बाकी तमाम मेरी को मैंने एक और ऐसा मार का कमेंट देखा था, सैंडी लवर्स या सैंडी क्ले समार, इस तरह का कोई ऐसा मार ने मुझे कमेंट किया था, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, आपका साउंड अच्छा लगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं रैंडमली वही उनको ही उनका ही नेम लेते हैं, हम अपनी ऐसा मार आर्टिस्ट जो कि हमें कमेंट कर रही होती है हम उनका भी नाम लेंगे और स्पेशली थैंक्स बोलेंगे। अभी ये ख़त्म हो जाएगा ना जब बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, 9 बजे तक खामोशी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि 8, 8:30 या 9 हद या बड़ी हद 9:30 तक मस्जिदों में पढ़ाई होती है, बच्चे वगैरह मदरसा पढ़ने जाते हैं ना सुबह का टाइम, यहाँ का अलग टाइमिंग है, हमारे वहाँ का शाम का टाइम होता था क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता था, यहाँ पर स्कूल दूर है तो 9 बजे 9:30 का टाइम होता है इनके स्कूल्स का बच्चों के, हाँ 9 का टाइम है बच्चों का ना, और ये हमारी सोसाइटी में नहीं आवाज़ आती, मस्जिद सोसाइटी में एक ही है, ठीक है, ये जब सोसाइटी से बाहर है ना उनकी मस्जिदों की आवाज़ होती है और जब वो गूंजती है ना तो वो यहाँ तक पहुँचती है, बाकी शुक्र अल्लाह का कि बहुत ज़्यादा बेहतरी है टेक्सचरों की भी और क्रम्बलिंग के साउंड में भी और शोर शराबे की भी मेरे लिहाज से, ठीक है, और अच्छा रिज़ल्ट आता है क्योंकि वहाँ पे धूप ही नहीं थी आती। हाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि कल धूप बहुत तेज़ थी, मैं तुम सीधा आपको एक बात बताती हूँ सीधी सी, मैंने जो है ना ये सोच के नहीं कहा था की थी क्रम्बलिंग कि भाई साउंड अच्छा आएगा या वो सॉरी कि रिज़ल्ट अच्छा आए या नहीं आए, धूप अच्छी आई, मैंने कहा यार कोशिश करके देखती हूँ, अब माइक ठीक हो गया तो क्रम्बलिंग करके देखती हूँ, अब देखती हूँ कि साउंड कैसा आ रहा है, मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस साउंड पे था सीरियसली, बस वो साउंड का मुझे डाउट ख़त्म हो गया क्योंकि मैं बड़ी जल्दी परेशान हो जाती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया डाउट, बस अब जो है ना मैं इस पर भी ध्यान दूँगी कि आप लोगों को अच्छे से ना देखने को भी मिले, ठीक है टेक्सचर्स, ये चंक निकालना है, इसको हम निकाल ही लेते हैं, मैंने वोट में आपको मजे की बात बताती हूँ, कल हम गए ठीक है वोट के चक्रों में, मैं गई और मेरे तो निकला ही नहीं वोट भाई, उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पे नहीं बना, पता नहीं किस जगह बना है कौन सा स्कूल बना है ये भी नहीं पता चला उनको, क्योंकि यहाँ पे ना वो जो सेंटर्स होते हैं ना स्कूल्स मोस्टली स्कूल्स होते हैं या फिर कोई कैंप शैम्प हो जाए या कोई इस तरह से ना मोस्टली स्कूल्स होते हैं, तो नहीं मिला, फिर मैं ऐसे घूम घुमा के
वापस घर ही आ गए। मैंने कहा पहली दफ़ा गई हूँ और पहली दफ़ा में नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट वोट था जो मैंने देने जाना था। ठीक है, ये मिनी चंक्स हैं, इनको ना मैं धूप में कर देती हूँ। पैसे आलम सदगाए फरूखे हसन सदगाए ईमान हसन दूर हो सर्दी के रंग। गर्मियों में ना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि गर्मियों में एक तो टेक्सचर बड़े बम होंगे, दूसरा टेक्सचर्स की वीडियोज इंशाल्लाह मैं ज़्यादा बनाऊँगी। बस ये है कि हाँ गर्मियों में यहाँ पे किसी का कूलर ना चले। अब दुआ होने लगी है, मैं भी बंद होते थे। मैं ना अपने मोबाइल का ध्यान नहीं रखा, पहले मैं बड़ा ध्यान रखा था, मैं माइक में डस्ट नहीं जाने देती थी। और फिर मैंने हरिया वीडियोस रिकॉर्ड करने के चक्करों में कुछ और हो जाना था अचानक, ये वो उस वर्क प्लेस पे, तो मैंने अपने माइक का सत्यानाश कर लिया मोबाइल का। मैं माइक को ही नहीं यूज़ करती, मोबाइल का ही माइक का जो है ना वो अपना साउंड था, जिस जो कि डस्ट वगैरह जाके ना माइक का साउंड ख़राब हो गया। चलो अब ये धूप में है ना थोड़ा सा टेक्सचर, चलो पोरिंग करते हैं इसमें पानी डाल के ना, यहाँ पे पानी है। बारह मिनट का तो व्लॉग यहाँ पे ही बन गया इतने में। ये लेना थोड़ी थोड़ी जितनी भी डस्ट थी मैंने अभी उठा ली है, एक हाथ में मोबाइल है। सारी की सारी डस्ट हमने इसमें डाल दी, इसको जो है ना ऐसे फैला देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जनाब मैं करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड, नेक्स्ट ब्लॉग में क्रमलिंग करेंगे। स्टे कनेक्ट विद मी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, जाते जाते बस इसको कटिंग कर जाते हैं। ठीक है
निगमा के, निगम इस तरह करके कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैंने पहले भी उनका जिक्र किया था लेकिन नाम नहीं पता था मुझे, मैंने अभी रीड किया है, तो वो कह रही थी कि शेप्स कैसे निकालते हो ना, ये देखो ये निकलने वाली है, देखें शेप्स आपकी टूट जाती हैं, वो क्यों टूटती हैं, या तो आपने उसको जो है ना थिक थिक पेस्ट ही ज़्यादा डाल दी है, थोड़ा सा ना पतला होना चाहिए, ठीक है, जितना स्लैब पे डाला था ना इससे थोड़ा सा पतला होना चाहिए, वो डालने के बाद आप जो है ना इसको छोड़ दें, अपने आप उसका पानी ख़त्म हो जाएगा और ये खुद ब खुद अपने किनारे छोड़ देगा। अब उसके बाद जब निकालना है ना, निकालने से पहले आपने क्या करना है, आपने इसकी कॉर्नर्स को साफ करना है, ये देखें ठीक है, जितनी देर तक कॉर्नर्स नहीं साफ होती ना तब तक वो टेक्सचर जो है ना अच्छे से निकलता नहीं है। अब बिस्मिल्लाह करके इसको आराम से जो है ना नीचे कोई स्पॉट रख लें लाइक हैंड, अब इसको मैं निकालती हूँ, ये देखें ये परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, मैंने ये लफ्ज़ सीखा था परफेक्ट, ठीक है, ये निकल आएगी। अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि इसको धूप लगती रहे, बाकी उसको भी निकालना है, उसके भी कॉर्नर साफ़ करके जिस भी मोल्ड में डाले उसके साइड्स को अच्छे से साफ़ करें और फिर निकाल ले। अब मैं करती हूँ वीडियोस रिकॉर्ड, तो स्टे कनेक्टेड विद मी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टिक के बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्ला।